नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। और हम भी बहुत खुश हैं, मस्त हैं, आबाद हैं। उम्मीद करेंगे कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर ना भी लगे तो भी आप लाइक कीजिए, नए बंदे को मौका दीजिए। और आज का टॉपिक है कि अपना मानसिक तनाव कैसे कम करें, अपनी जो टेंशन्स हैं उनको कैसे रिलीज़ करें। जो भी होता है वो हमारे सिर्फ दिमाग में होता है, बाकी आपका आपकी जो वास्तविक टेंशनें, जो बाहरी टेंशनें होती हैं, उनसे हम ज़्यादा दुखी नहीं होते कि जितना कि हम अंदर की चिंताओं से ज़्यादा दुखी होते हैं। प्रॉब्लम जो है वो हमारे सोचने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हर चीज़ को लेते हैं। अगर कोई हमें कह रहा है कि भाई आपकी जॉब नहीं लगी, आपकी जॉब जहाँ छूट गई है, या आपसे कोई पेपर पास नहीं हुआ, या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, अब आप क्या? जब भी आप टेंशन में हों, आपको कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सोच रहे हैं, सोच के देखिए, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, जहाँ तो चिंता करके आप बताइए, आपने जो चिंता की उससे क्या आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं, उल्टा आपकी सेहत ख़राब हो रही है। जहाँ तो जो बीत चुका है वो कल वापस नहीं आएगा, जो आज है सो ही आज है, और जो आपका कल है वो भी हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, कल हम होंगे या नहीं होंगे। फिर टेंशन किस बात की है भाई, किस बात की टेंशन है? हमारे साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, या जवानी में कुछ गलत हुआ है, या कभी भी कुछ गलत हुआ है, लेकिन हम उस पुरानी चिंताओं को 20-20 साल 25-25 पिछली चिंताओं को लेके यहाँ अगले 10 सालों का कि घर कब बनेगा, मेरे पोते की शादी कब होगी, मेरी पोती की शादी कब होगी, बेटी डॉक्टर होनी चाहिए, बेटा इंजीनियर होना। अरे वो 20 साल है, तो 20 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने? तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी। अगर टेंशन कभी लाइफ में हो भी जाए, अगर आप काफ़ी अकेला रहना फील कर रहे हो, या अकेला रहना महसूस कर रहे हो, अकेलापन आपको खा रहा हो, तो आपको अपने फैमिली के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ लंच डिनर कीजिए, उनसे बातें कीजिए, मुस्कुराइए, अच्छी नींद कीजिए, अच्छा खाना खाइए, गुड प्लानिंग कीजिए, और आप जो भी हो सके अच्छी बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने से, मोटिवेशनल बुक पढ़ने से, वैसे तो रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। लेकिन आपको ये मोटिवेशनल बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपको खुशी मिले और आपका फोकस सारा कुछ आपका बिल्ड हो, आपको किसी चीज़ की मतलब कि कुछ उस टेंशन को सोचने की कोई ज़रूरत ही ना हो। देखिए, जैसे कि हम देखो कि एक गिलास पानी का होता है, हमें कोई गिलास पकड़ाए, हम कहें कि 10 मिनट पकड़ लीजिए तो हमारी बाजू में दर्द होने, वही गिलास अगर हमें 10 घंटे पकड़ना हो तो हमारी बाजू सुन्न हो जाए। और सोचो वही गिलास, सपोज वही गिलास हमें 24 घंटे पकड़ना हो तो हमारी तो बाजू में लगता है कि फ्रैक्चर ही हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब होता है कि हम नहीं पकड़। लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन का कारण होता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जाना, अपनी कैपेसिटी, जितनी आपकी चादर है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उतना ही काम लिए। कहते हैं ना, अपनी चादर देख के पांव फुलाइए, जितनी आपकी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप वर्क ले लेते हैं, चैलेंज ले लेते हैं, फिर वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, फिर आपको समझ नहीं आता, फिर आप दुखी हो जाते हो, हाय कैसे करूं, क्या करूं, हो नहीं रहा, अब मुसीबत आ गई, अब टेंशन हो गया, ये तो ख़त्म होगा ही नहीं टाइम पे, ये तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप काम सेलेक्ट कीजिए। जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही कीजिए, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी अवेबिलिटी है, उतनी ही कीजिए, और ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि भगवान ने आपको भेजा है, कुछ सोच के ही भेजा होगा, कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दीजिए, जो करेगा अच्छा ही करेगा। या जो देखो, जो आप प्रॉब्लम की टेंशन, जो तो आपके साथ बचपन में हुआ है, जो बीत चुका है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो आने वाला है वो भी हमें नहीं पता, जो है भाई वो तो जियो। अब कोई कहे कि आपकी जॉब चली गई, लगेगी तो लगेगी, अपना देखो, हम कोई काम करते। जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं एक इंटरव्यू पे गई तो मैं नहीं सिलेक्ट हुई, तो मेरी फ्रेंड थोड़ी वीक थी और मैं थोड़ी इंटेलिजेंट थी, उसे लग रहा था मेरा हो जाएगा, मुझे लग रहा था उसका हो जाएगा, तो मेरा नहीं हुआ, तो वो हंसने लग गई, कहती यार तेरा नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखो, मैंने अपना, हम कोई भी काम करें हमने अपना 100% देना है, अगर नहीं होता तो नहीं होता भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अब क्या कर लेंगे? अब वो नौकरी मुझे नहीं मिली, अब मैं उस टेंशन को लेके बैठी रहूँ, हाय मुझे जॉब नहीं मिली, मेरी फ्रेंड को मिल गई, वो तो वीक थी, वो तो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, उसका नॉलेज भी नहीं था, तो अब उस चिंता को करके मैं क्या उसकी जॉब ले लूँगी, क्या वो वक्त वापस आ जाएगा, क्या मैं वो कर पाऊँगी, नहीं ना, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? अरे ये ज़िंदगी कौन सी बार बार मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हंसो मुस्कुराओ और खुल के जियो, जो है ठीक है। अपना किसी भी फील्ड में ये है कि आपको गिल्ट ना फील हो, अपना आप किसी भी फील्ड में अगर है तो अपना 100% दीजिए, आगे जो रिजल्ट आता है वो रब रख है, उसके लिए आपको किसी को।
जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं एक इंटरव्यू पे गई तो मैं नहीं सिलेक्ट हुई, तो मेरी फ्रेंड थोड़ी वीक थी और मैं थोड़ी इंटेलिजेंट थी, उसे लग रहा था मेरा हो जाएगा, मुझे लग रहा था उसका हो जाएगा, तो मेरा नहीं हुआ तो वो हंसने लग गई, कहती यार तेरा नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देखो मैंने अपना हम कोई भी काम करें हमने अपना 100% देना है, अगर नहीं होता तो नहीं होता भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अब क्या कर लेंगे, अब वो नौकरी मुझे नहीं मिली, अब मैं उस टेंशन को लेके बैठी रहूँ, हाय मुझे जॉब नहीं मिली, मेरी फ्रेंड को मिल गई, वो तो वीक थी, वो तो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, उसका नॉलेज भी नहीं था, तो अब उस चिंता को करके मैं क्या उसकी जॉब ले लूँगी, क्या वो वक्त वापस आ जाएगा, क्या मैं वो कर पाऊँगी, नहीं ना, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, अरे ये ज़िंदगी कौन सी बार बार मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हंसो मुस्कुराओ और खुल के जियो, जो है ठीक है, अपना किसी भी फील्ड में ये है कि आपको गिल्ट ना फील हो, अपना आप किसी भी फील्ड में अगर है तो अपना 100% दीजिए, आगे जो रिजल्ट आता है वो रब रख है, उसके लिए आपको किसी को ब्लेम। ऐसे ही मुझे एक स्टोरी याद आती है, एक झोंपड़े में दो भाई रहते थे, तो एक भाई बड़ा ही अकड़ू था और एक थोड़ा नॉर्मल था, जो वहाँ क्या हुआ कि तूफान आया, उनकी झोंपड़ी टूट गई, उनका छत उड़ गया, छत उड़ गया तो दोनों भाई सो गए, तो जो अकड़ू था वो रोने लगा, अपने आप को कोसने लगा, भगवान को कोसने लगा कि हाय हमारी किस्मत कितनी फूट गई है, एक ही तो भगवान तुमने झोंपड़ा दिया था उसका भी छत उड़ा लिया तूफान से, अब क्या सोएंगे सारी रात। और वहीं पे उसका दूसरा भाई था, वो जब लेटा बेड के ऊपर वो इतना खुश हुआ कि वो कहने लगा भगवान मैंने तो पहली बार ये महसूस किया कि झोंपड़े में सोने से, खुले आसमान में सोने से चांद सितारे कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने प्यारे टिमटिमाते हुए तारे, जुगनू चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है नीला आसमान के नीचे, तो मैं कितना खुश हो गया। तो ये हमारे सारा सोच पे डिपेंड होता है कि हमारे कई बार होता है कि आसपास के लोग हमारे मन में डाल देते हैं कि आपसे ये नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। एक बार क्या होता है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक कोई आदमी था तो वो जॉब करता था, अच्छा अमीर था, तो उसका क्या हुआ कि उसको ऐसे लो फील हो रहा था, लो फील हो रहा था, तो डाइनिंग टेबल पे होता है कि कभी कभी हमारे हेल्थ इशू होते हैं, कभी मन भी नहीं करता, तो डाइनिंग टेबल पे उससे ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो उनके सर्वेंट ने कहा कि क्या सर आज आप कमज़ोर लग रहे हो, कुछ बीमार लग रहे हो, कहता हाँ मैं थोड़ा बीमार लग रहा हूँ। गेट पर पहुँचता है तो गेट कीपर कहता है कि सर आप बीमार लग रहे हो, बीमार लग रहा हूँ। गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर कहता है कि सर आप बीमार लग रहे हो, आज ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, कहते नहीं काम है तो जाना। ऑफिस में जाता है तो स्टाफ वाले सारे कहते हैं कि सर आप बीमार लग रहे हो, आप कमज़ोर लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहा हूँ। तो इतनी देर में क्या होता है कि उसकी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर बुलाते हैं, तो जैसे उसको घर लेकर आते हैं तो उनका फैमिली डॉक्टर आता है, तो वो कहता है कि आपको कुछ भी नहीं है, और जिन लोगों ने सुबह का कहा है वो उन सबको बुलाता है और उनको दिखाता है कि भाई एक ने ये कहा, सब ने आपको वीक, तो हमें क्या होता है कि जब सारे लोग हमें एक ही बात कहते हैं कि लोग हमारे मन में ऐसा बात डाल देते हैं कि हाँ भाई आपसे ये गलत हो गया, आपसे एक दो तीन, और हमें भी लगने लगता है नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इसलिए लोगों की कम सुनो, अपनी ज़्यादा सुनो और सोचो कम, और ये ज़िंदगी मिली है तो हंसो मुस्कुराओ और खुश रहो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। कल फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चेतना के साथ, और कल के लिए अलविदा दोस्तों, शब्बा खैर, रब रखा, खुश रहो, आबाद रहो, गुड बाय दोस्तों।